अगली खबर आ रही है रीवा से, जहां पुलिस के द्वारा साक्ष्य ना पेश कर पाने के चलते मारपीट, तेजाब डालने जैसे गंभीर मामले के 4 आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया है। आरोपियों की पैरवी अधिवक्ता राजीव सिंह सेरा के द्वारा की जा रही थी। पूरे मामले और न्यायालय के फैसले पर जानकारी देते हुए राजीव सिंह सेरा ने बताया कि 11 फरवरी 2014 को कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कुठुलिया में राजेश सोनी, नितेश सोनी और उनके भाई मुकेश सोनी के साथ सिलपरा निवासी गोलू सिंह, कल्लू सिंह, आसू सिंह, जगत सिंह के बीच मारपीट हुई थी। इस दौरान दोनों पक्षों से एक दूसरे पर तेजाब डाला गया था। दोनों पक्षों ने पुलिस ने काउंटर मामला दर्ज किया था। उनके द्वारा गोलू सिंह, कल्लू सिंह, आसू सिंह और जगत सिंह की पैरवी की गई। पुलिस ने जो साक्ष्य और उनके अधिवक्ता ने जो तर्क दिए, उन तर्कों से सप्तम न्यायाधीश संतुष्ट नहीं हुए और चारों आरोपियों को बरी कर दिया। आइए आपको सुनाते हैं दुकान में हुई मारपीट की घटना और लिए गए फैसले के संबंध में बरी किए गए आरोपियों के अधिवक्ता का क्या कहना है। गंभीर आरोपों में आपने कुछ लोगों को बरी कराया है, क्या मामला है पूरा ये? सबसे पहले मैं बता दूँ कि पुलिस थाना सिटी कोतवाली में दिनांक 11 फरवरी 2014 को कुठुलिया निवासी राकेश सोनी, जिनका ये कहना है कि वो कुठुलिया में राजू उर्फ राकेश, राजू एंड राकेश ज्वेलर्स के नाम से दुकान संचालित करते हैं, तो उन्होंने एक रिपोर्ट लिखाई कोतवाली में आपका 11 फरवरी 2014 को कि वो और उनका भाई नितेश दुकान में बैठे हुए थे और उनके भाई, एक भाई मुकेश की दुकान जो बगल में है साइकिल की, वो साइकिल की दुकान में बैठे हुए थे। तभी जो है आरोपी गोलू सिंह, कल्लू सिंह, जगत सिंह और आसू सिंह, ये सभी निवासी सिलपरा, उनकी दुकान पर आए और दुकान पर आकर के लूट करने की नीयत से और पुराना पैसा मांगने की, पुराना पैसे की बात को लेकर जगत सिंह ने उनके आपका राकेश के, राकेश सोनी के सिर में तेजाब डाल दिया और तेजाब डालने के साथ साथ ही बाकी लोग जो मुलजिम हैं उन्होंने मारपीट की, ऐसी रिपोर्ट लिखाई गई जिस पर पुलिस थाना सिटी कोतवाली में सभी के विरुद्ध 326A IPC और 294, 323, 506, 34 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया, जिसका विचारण जो है माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश रीवा आनंद गौतम जी के न्यायालय में किया गया। ठीक इसी के विपरीत उसी दिनांक को आपके उनके इन लोगों के खिलाफ भी दीप प्रकाश की रिपोर्ट पर, दीप प्रकाश की रिपोर्ट पर नितेश सोनी, मुकेश काउंटर एफआईआर हुआ था आपके, दीप प्रकाश की रिपोर्ट पर राकेश सोनी, राकेश सोनी के पिता सोम प्रकाश सोनी और नितेश सोनी, इनके विरुद्ध भी एक मामला 326 का दर्ज हुआ था कोतवाली में और कीर्ति देव सिंह के चेहरे पे तेजाब डाला गया था और आसूर के चेहरे पे तेजाब डाला गया था और दीप प्रकाश सिंह के साथ लाठी डंडे से मारपीट की गई थी। तो कीर्ति देव को पुलिस ने मुलजिम बनाया नहीं था, साक्षी बनाया था मात्र, और दीप प्रकाश को और आसू को मुलजिम बनाया था उन राकेश सोनी और उनके पिता सोम प्रकाश सोनी और नितेश सोनी, मुकेश सोनी के साथ मारपीट करने का आक्षेप लगाया था। तो जो जिस केस को मैं डिफेंड कर रहा था, जिसकी ओर से मैं पैरवी कर रहा था मुलजिमों, गोलू सिंह की ओर से, कल्लू सिंह की ओर से, जगत सिंह की ओर से और आसू सिंह की ओर से, उनकर उनके ऊपर आक्षेप ये था कि ये एग्रेसर थे, ये किसी की दुकान और मकान पर जानबूझकर हमला करने के उद्देश्य से गए थे। सोनी परिवार उनके घर नहीं आया था, इनके मकान में नहीं आया था, तो इनको एग्रेसर माना गया था पुलिस द्वारा और इनके द्वारा